हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। आयोग में क्या हो रहा है, आयोग किस प्रकार काम करता है, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। भर्तियां क्यों दिन पे दिन डिले हो रही हैं, ये भी आप जानते हैं। आयोग की गलती नहीं है, आयोग वही काम करता है जो आदेश उसे दिया जाता है। शासन का आदेश है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 एंड लोअर पीसीएस, इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इन भर्तियों को लेकर आयोग पर दबाव है। आईटीआई अनुदेशक के अभ्यर्थी कहते हैं कि आप अनुदेशक की जानकारी नहीं देती हैं। मैं किसी को हर्ट एंड परेशान नहीं करना चाहती हूं, जो अपडेट मिलती है वही जानकारी आपको दी जाती है। अनुदेशक 2022 की परीक्षा इस साल नहीं होगी, अभी इसमें टाइम लगेगा। अनुदेशक 2015-16 ये भर्ती भी डिले हो रही है, अभी इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पीटी परीक्षा तक कुछ होने वाला नहीं है, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। एजीटी भर्ती को लेकर हर जगह बात की गई है। मैंने हमेशा एजीटी के अभ्यर्थियों का सपोर्ट किया है और आज भी आपके साथ हूँ। सचिव जी अभ्यर्थियों को पागल बना रहे हैं, मीठा बोल बोल के भर्तियों को टाल रहे हैं और सभी से कहने लगते हैं कि पीटी 2022 की तैयारी चल ही रही होगी, तैयारी करते रहें। क्या अभ्यर्थी जिनकी भरी तैयारी करते रहेंगे? दो दो भर्तियों में सिलेक्शन होने के बाद भी अभ्यर्थी आज बेरोजगार है। एजीटी भर्ती का काम शासन स्तर पर लटका है। आयोग कहता है कि 906 अभ्यर्थियों की सूची आ जाए तो मैं तुरंत विज्ञापन जारी कर दूंगा। निदेशालय के अधिकारी कहते हैं कि मैंने सूची शासन को भेज दी है, जानबूझकर इस भर्ती को डिले किया जा रहा है। तो आप भी जानते हैं, अभी 100% कंफर्म नहीं है कि पीटी 2021 से विज्ञापन आ जाएगा। शासन स्तर पर काम हो गया तो विज्ञापन आएगा, नहीं तो आना मुश्किल है। इसलिए आप सब पीटी 2022 की तैयारी करते रहें। एजीटी के कुछ अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत भागदौड़ की है। हमारे देश के युवाओं में कमी नहीं है, इस आयोग की गलती नहीं है, गलती तो किसी और की है। जो युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं, युवाओं को बेरोजगार ही देखना चाहते हैं। हमारे देश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो ये सब नहीं चाहते हैं। आप ही बताएं, क्या ऐसे हमारे देश का विकास होगा? जिस देश का युवा एक नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है, क्या ऐसे विकास हो सकता है? मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी अभ्यर्थी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप सब सपोर्ट नहीं करते हैं। हमेशा 100-150 की संख्या में जाते रहते हैं, जिससे आपकी बात नहीं सुनी जाती है। आगे आपकी मर्जी है कि आप सब क्या करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।